फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ शाम की चाय के साथ एक कुरकुरा चटपटा नाश्ता। सर्दी का मौसम, शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा कुरकुरा मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो इसीलिए आज हम बनाएंगे चने की दाल और पालक के बड़े, बहुत ही टेस्टी कुरकुरे और बहुत आसानी से बनने वाले। सर्दी के मौसम में अक्सर पालक सभी के पास होता है घर में, तो इसीलिए आज हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकीज रिपीट। मैं रितु गुप्ता अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमने डालेंगे जीरा, आधा चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च और 1 चम्मच साबुत धनिया। ये तीनों मसाले मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे और इनको थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से इसको दरदरा पीस लें। अब इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे। देखिए इस तरह से इस मसाले को अब अलग रख देते हैं। और साथ ही हमने चना दाल बड़े बना रहे हैं, तो 1 कप चने दाल को 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, जिससे ये फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है, तो इसको भी हम पीस लेंगे। इसको पीसते हुए बिल्कुल इसका सारा पानी निकाल दें और 10 से 15 मिनट इसको एक जाली पे रखें, जिससे सारा पानी निकल जाए और दाल बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च, वो भी हम इसमें डाल लेंगे। और अब ये सभी चीजें पीस लेंगे। दाल को भी हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे, क्योंकि जब उसमें दाने आएंगे ना दाल के और वो फ्राई होंगे तो बहुत ही क्रिस्पी होंगे, कुरकुरे से लगेंगे। इस तरह से हम सारी दाल पीस लेंगे और एक बड़े बाउल में खाली कर लेंगे। अब साथ ही हमने लिया है पालक। पालक को पहले धोकर अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में धो लें और फिर इस तरह से उसको काट लें। ये हमने 200 ग्राम पालक लिया है और बिल्कुल पानी इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम ये पालक को इसमें मिक्स कर देंगे। अब कुछ चीजें और इसमें ऐड करेंगे बड़े बनाने के लिए। 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक काट लें। जो मसाला हमने तैयार किया था उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। यह चाट मसाला 1/2 चम्मच, अमचूर पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, नमक 1 चम्मच, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। और साथ ही लेंगे इसे और भी क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा, तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच चावल का आटा इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब ये सभी चीजें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इससे थोड़ा सा शुरू में जब आप मिक्स करेंगे तो खिलखिला लगेगा, तो इसलिए हमें बिल्कुल जैसे आटे का डो तैयार करते हैं इस तरह से मलते हुए इसको मिक्स करना है। सभी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो ये सभी चीजें मिक्स हो गई हैं, तो अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। तो मैं यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच बेसन इसमें मिक्स किया है अभी, और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं इसकी बाइंडिंग परफेक्ट है या नहीं। तो अभी इसमें काफी मॉइस्चर लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच बेसन इसमें और मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 चम्मच बेसन इसमें मिक्स किया है और अच्छी तरह से सभी चीजें मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। तो अब ये बिल्कुल मिक्स हो गया है और बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम हाथ पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे बड़े बनाने के लिए, ताकि बड़े हाथ पर बिल्कुल भी ना चिपके और बहुत आसानी से बन जाएं। और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे एक बड़े की शेप देंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरह से गोल साइज के बड़े बना रही हूँ और इसको बिल्कुल एक सार कर ले चारों तरफ से, बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये मिक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो बहुत ही आसानी से इसको बनाए। चारों तरफ से बिल्कुल इकसार करते हुए इस तरह से आप सभी बड़े तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल एक आलू टिक्की की तरह इसकी शेप देंगे, बहुत पतला भी इसको नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसी तरह से बनाए मोटा सा। देखिए इस तरह से शेप देते हुए बिल्कुल हाथ से इकसार कर लें चारों तरफ से,
कोई भी कॉर्नर फटा हुआ या खिला हुआ ना हो। और इसके बाद ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे बड़े तैयार कर लिए हैं और ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को मैंने मीडियम हीट पर रखा है और उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर दिया है और धीरे धीरे करके ही हम एक एक बड़ा इस ऑयल में छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, वैसे तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं और कम ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो एक एक बड़ा बहुत आसानी से छोड़ें, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये बड़े, इसमें खुलने का डर रहता है, इसीलिए बिल्कुल कॉर्नर से आराम से छोड़ें ताकि हाथ भी ना जले। और इसे हम बिल्कुल सेंटर में एक तरफ कर देते हैं ताकि ये इजीली सेक जाए। शुरू में हम इसे लो फ्लेम पर सेकेंगे और जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तभी हम इन्हें बहुत इजीली इन्हें पलट लें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर लें। लो टू मीडियम फ्लेम पर बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। लेकिन इनका कलर चेंज हो गया है बिल्कुल, बार बार पलटते हुए इसमें गोल्डन कलर आ गया है और मीडियम से लो फ्लेम पर ही मैंने इनको फ्राई किया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं। देखिए इस तरह से ऑयल निकालते हुए सभी बड़े ऑयल से निकाल लेंगे, इनका ऑयल निकाल लें और उसके बाद इन्हें टिश्यू पेपर पर रख लें ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। देखिए इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी बड़े बने हैं, देख सकते हैं पालक और चने दाल के, बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में, बहुत टेस्टी क्रिस्पी, गरम गरम चाय के साथ। आप इन्हें चटनी के साथ सर्व करें, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मेरी ये चना दाल और पालक की रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।